हेलो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज। वीडियो वायरल होने के 20 दिन बाद ही बाबा के ढाबे से भीड़ गायब हो गई है। अब इनका इक्का दुक्का लोग ही यहां खाने खाने आते हैं, साथ ही कुछ यहां पर सेल्फी लेने चले आते हैं। मालवीय नगर वाले बाबा का ढाबा तो आपको याद ही होगा। नारंगी टी शर्ट में खाने का एक स्टॉल चलाते हुए 80 वर्षीय कांता प्रसाद बुजुर्ग की तस्वीरें 8 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हुई थी। रोते हुए बाबा ने बताया था कि लॉकडाउन में उनका गुजारा भी मुश्किल हो गया है। वीडियो वायरल होते ही दिल्ली की दरिया दिल्ली भी उमड़ पड़ी। बाबा के ढाबे पर मटर पनीर, चावल और रोटी पूरी दिल्ली के ढाबों पर भारी पड़ गई। कुछ खाने वाले तो कुछ फोटो खिंचाने वाले और कुछ दया और दान के नाम पर अपनी छवि चमकाने वाले। कुल मिलाकर कई लोगों ने मालवीय नगर के फुटपाथ पर बने इस छोटे से स्टॉल पर भीड़ लगा दी। लेकिन अब हालात वैसे नहीं है, भीड़ गायब हो चुकी है और अभी अक्टूबर का महीना खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन 20 दिन बाद ही बाबा का ढाबे से भीड़ गायब हो गई। अब इक्का दुक्का लोग यहां खाने खाने आते हैं, साथ ही कुछ सेल्फी लेने चले आते हैं। सोशल मीडिया स्टार बन चुके 80 वर्ष के कांता प्रसाद और उनकी पत्नी बादामी देवी का स्टारडम अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी काम चलाऊ काम चल रहा है। अब यहाँ खाना खाने वाले कम और वीडियो और सेल्फी लेने के शौकीन ज्यादा नजर आते हैं। बॉलीवुड, खेल और राजनीति से जुड़े कई लोगों ने ट्विटर पर बाबा की मदद करने की बात कही थी। हालांकि लगभग 20 दिन बाद ही अब सब ने पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि अब हालात पहले जैसे ही हो गए हैं। यहां तक कि कई ऑनलाइन फूड सप्लाई ऐप और कुछ कंपनियां ने उनके ढाबे पर अपने बोर्ड भी लगाए थे, लेकिन अब वो सब हट चुके हैं। बाबा का कहना है कि किसी कंपनी को उनके हमदर्दी नहीं थी, सभी को अपने ब्रांड को चमकाने का लालच था। हालांकि पहली बार वीडियो बनाकर उसे वायरल करने वाले ब्लॉगर का वो शुक्रिया करते हैं। तो दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। बाबा के ढाबे के फिर से वही हालात हो चुके हैं जो पहले थे, यानी कि वहां से भीड़ गायब हो चुकी है और उनके पहले के जैसे हालात आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? वीडियो को ज्यादा शेयर कर दे फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कमेंट करें। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।